राठ विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक मनीषा अनुरागी एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। इस दौरान उन्होंने आश्रम पहुंचकर धूम ऋषि के मंदिर में पूजा अर्चना की थी, जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट देश के कई मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बीजेपी की एक महिला विधायक मंदिर में प्रवेश करने पर उसे गंगा जल से धुलवाकर पवित्र करने का मामला भी सामने आया। दरअसल विकास खंड राठ के मुस्कुरार खुर्द गांव में धूम ऋषि का आश्रम है, वहां उनकी प्रतिमा लगी हुई है। मान्यता के मुताबिक यह महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, महिला यहां बाहर से ही दर्शन करती हैं। जब ग्रामीणों ने महिला विधायक को मंदिर प्रांगण में देखा तो हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पूरे आश्रम व मंदिर को गंगा जल से धुलवाकर पवित्र किया गया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने चंदा कर धूम ऋषि की प्रतिमा को इलाहाबाद के संगम में स्नान करवाकर फिर से स्थापित किया, जिसके बाद किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत ग्रामीणों ने आश्रम को गंगा जल से धोकर पवित्र किया। साथ ही पालकी में इलाहाबाद ले जाकर संगम स्नान कराया। इलाके में इस मंदिर और आश्रम को लेकर काफी श्रद्धा है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में दिल से मांगी हर मुराद अवश्य पूरी होती है। आश्रम के अंदर महिलाओं के जाने पर रोक है, जिसके चलते वहां पहुंचने वाली महिला बाहर से ही अपनी मन्नतें मांगती हैं। ग्रामीणों की माने तो अगर आश्रम में महिला अंदर चली गई तो उन्हें धूम ऋषि के कोप भाजन बनना पड़ता है। जहां एक तरफ महिला के सम्मान की बात की जाती है और बराबरी की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ महिला को अपमान सहना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।